नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक सावज। मैं सूरत में इन्फेक्शियस डिसीज स्पेशलिस्ट की प्रैक्टिस करता हूँ। वैक्सीन जो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा यूज होने वाला है वो दो वैक्सीन है। एक वैक्सीन है कोवाशील्ड, दूसरा वैक्सीन है कोवैक्सिन। जो कोवाशील्ड वैक्सीन है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी ने कंबाइन करके बनाया है, जो इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे में एस्टेब्लिश्ड है वो मैन्युफैक्चर करने वाला है, और जो कोवैक्सिन है वो भारत बायोटेक बनाने वाला है। तो ये दो वैक्सीन कॉमनली इंडिया में यूज होने वाला है। कॉमनली वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन लेने के बाद वो वैक्सीन रिलेटेड डिसीज होने के चांस बहुत कम है। सेम थिंग इज विथ कोविड वैक्सीन ऑल्सो। ये वैक्सीन लेने के बाद कोविड होने के चांस बहुत कम है। ये डिपेंड करता है कि वैक्सीन का इफेक्टिवनेस कितना है। तो ये जो कोवाशील्ड वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट बनाने वाला है, उनका इफिकसी 70-90% जितना बताया जा रहा है। तो ये बात तो कंफर्म है कि वैक्सीन लेने के बाद कोविड होने के चांस बहुत कम है। और दूसरी बात, बाई चांस वैक्सीन लेने के बाद भी अगर कोविड होता है तो उनकी सीवियरिटी बहुत कम होती है। ये जो वैक्सीन है वो इंट्रामस्कुलर यानी कि मसल्स में दिया जाता है। तो आम तरीके से वो शोल्डर में दिया जाएगा सबको। इनके दो डोजेस रहते हैं और 1 month के गैप में ये दो डोज कंप्लीट करने रहेंगे। ये वैक्सीन सबको लेना चाहिए, बट ड्यू टू स्टॉक प्रॉब्लम प्रायोरिटी बेस पे हेल्थ केयर वर्कर है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स है, और जिनको कोमोर्बिड कंडीशन है जैसे कि डायबिटीज है, किडनी का प्रॉब्लम है, लंग का प्रॉब्लम है, हार्ट डिसीज है, लीवर डिसऑर्डर है, तो ये प्रायोरिटी ग्रुप को सबसे पहले दिया जाएगा। ये वैक्सीन बहुत सेफ है और DCGI ने तो बताया कि ये वैक्सीन 110% सेफ है। वैक्सीन में कोई भी डेड वैक्सीन है, इवन अपार्ट फ्रॉम कोविड वैक्सीन दूसरी सारी वैक्सीन भी बहुत सेफ है। और ये वैक्सीन के बहुत माइनर साइड इफेक्ट है, और जो है वहाँ पे पेन होना, मामूली बुखार आना, और वो सब में नहीं होता है, बहुत कुछ कम पेशेंट्स में ये साइड इफेक्ट होती है। आप सोशल मीडिया में काफ़ी सारे न्यूज़ सुनेंगे वैक्सीन्स के बारे में, और काफ़ी सारी फेक न्यूज़ भी आती है कि ये वैक्सीन लेने से ये साइड इफेक्ट होता है, ये प्रॉब्लम होता है, बट मोस्ट ऑफ देम आर रॉन्ग। सो डू नॉट बिलीव दैट बैड न्यूज़। आप डायरेक्टली कोविड एक्सपर्ट को या अपने फैमिली डॉक्टर को इनके बारे में पूछ सकते हैं। डेफिनेटली ये वैक्सीन मैं भी लेने वाला हूँ, और मैं अपने सारे फैमिली मेम्बर को भी देने वाला हूँ। और मैं आप सबको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे वैक्सीन अवेलेबल होना चालू हो जाए आप वो वैक्सीन ले लीजिए। थैंक यू सो मच।